राज्य में शिक्षा का दोहन हो रहा है, जहाँ पर जिस भी विद्यालय में 1,000, 1,200, 2,000 बच्चे नामांकन ले रहे हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। और सरकार जब हमारी मांगों को जब तक पूर्ण नहीं करेगी, तब तक हम समुचित रूप से शिक्षा देने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। चेक का कटौती की गई है, जैक द्वारा वो वापस लिया जाए। एक बार फिर से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। उसी क्रम में आज की अगर तस्वीर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड राज्य विस्तृत शिक्षक संघ संघर्ष मोर्चा का भी यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और उसकी यहाँ पर पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। काफी संख्या में शिक्षक जो है वो यहाँ पर है और शिक्षक जो कि एक बच्चों का भविष्य संवारते हैं, वही आज यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हुए। हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर लगातार, क्योंकि प्रदर्शन अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर हुई है, उसको लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि तैयारी आप लोगों की तरफ से पूरी रहती है। आप बताइए सर, क्या क्या कुछ चीजें हैं आप लोगों की, क्या मांग है? हम लोग मांग है कि जो सेक कटौती की गई है जैक द्वारा वो वापस लिया जाए। राज्य कर्मी का दर्जा राजेश शर्मा ने, प्रधान सचिव ने दिया था सरकार और कार्मिक विभाग को, अभी तक विभाग में लंबित है, कार्मिक विभाग में उसको जल्द से जल्द राजेश शर्मा के पत्र पर कार्रवाई हो और राज्य कर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिया जाए राज्य में काम करने वाले। आप लोगों ने पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन किया है और कई सारी मांगे यहाँ पर रखी है। हम लोगों ने पहले भी धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, लेकिन समस्या सरकार बराबर उत्पन्न करते जा रही है। आज विभाग में ये संचिका जो भी लंबित है, पूर्व शिक्षा मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है हम लोग का, अनुदान के 4 गुना बढ़ोतरी का 2004 नियमावली के अनुसार, वो संचिका आज तक ये लंबित है। न विधि विभाग भेजा रहा है, न वित्त विभाग, और कैबिनेट नहीं भेजा, उसके लेकर के हम लोग आंदोलनरत है। आज जो है सो इंटर कॉलेज के लिए जो पूर्व से वर्षों से जो सीट वृद्धि होते आ रहा है, जैक जो है उसको लेकर के सीट फिक्स कर दिया कि 384 से बेसी नामांकन नहीं लेना है। एक बगल +2 विद्यालय है जहां पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना वहां पर शिक्षक हैं, ना लेबोरेटरी है, ना लाइब्रेरी है, लेकिन उनको अनलिमिटेड, ये सरकार के राज्य में शिक्षा का दोहन हो रहा है, जहां पर जिस भी विद्यालय में 1,000, 1,200, 2,000 बच्चे नामांकन ले रहे हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। जबकि एक बगल दोनों का प्रतिशत रिजल्ट देखा जाए तो इंटर का क्या प्रतिशत का रिजल्ट है जो बच्चे पढ़ाते हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और +2 का प्रतिशत का देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए दोनों का, कंपैरिजन एक बगल सरकार को वहाँ कितना खर्चा होता है और उसके बाद हमारे यहाँ क्या सरकार अनुदान मात्र देती है। अगर बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों की तरफ से कई सारी चीजों को रखा जाता है, क्योंकि शिक्षक स्कूलों में बच्चों का भविष्य तय करते हैं और एक तरीके से पूरे राज्य का भविष्य तय करते हैं, और आज आप लोग अपने ही फ्यूचर के लिए यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हैं। हाँ सर, हम लोग अपने फ्यूचर के लिए इसलिए प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि जब सरकार हमारी मांगों को मान ही नहीं रही है, हमारा फ्यूचर को खुद सिक्योर सरकार नहीं कर रही है, जब हमको भरपेट भोजन नहीं दे रही है, तो हम आखिर शिक्षा के अलग को तो जगा रहे हैं, लेकिन उसको जगाने में हमको जो कठिनाई होती है उसको हम किसको बताएं, सरकार को नहीं बताएंगे। और सरकार जब हमारी मांगों को जब तक पूर्ण नहीं करेगी, तब तक हम समुचित रूप से शिक्षा देने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भी लाइबिलिटीज हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनका परवरिश या उनका देख रेख, उनका पठन पाठन किस तरह से इस व्यवस्था में होगा, तो इससे चिंतित होकर हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करो, ताकि हम जो राज्य और देश के भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं उसको पूरी ईमानदारी से हम कर पाएं और जो करते आ रहे हैं उसको ही आगे बढ़ाते रहें। देखिए तो शिक्षक अभी फिलहाल अपने ही फ्यूचर के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ सरकार से लगातार उनकी मांग भी चल रही है, लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। आचार संहिता खत्म होते ही ये प्रदर्शन का दौर जो है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज रांची।